सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो सामने की प्रोफाइल से ब्रेजर जो है वो लीक हो चुकी है, साइड प्रोफाइल से भी लीक हो चुकी है। मतलब कि मान के चलो एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन लुक सब कुछ जो है वो लीक हो चुका है। और ये आप सभी लोगों को ये जो लीक्स की फ़ोटो देखने को मिल रही है ये गुड़गांव की साइबर सिटी में टेस्टिंग के दौरान पर जो है वो ऑफिशियली जो है वो इसके जो लीक्स वो मिल चुके हैं। तो नए लोग एक प्यारा सा कमेंट करना और सभी लोग भाई जितने भी लोग आए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें बगैर कहीं मत जाना। इसका फुल लाइव वॉक अराउंड दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द चैनल पे, तो जाकर सब्सक्राइब करना। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो सामने की प्रोफाइल में पहले तो भाई सुजुकी का लो अपडेटेड वाली ग्रिल जो क्रॉस कट में देखने को मिल रही है। सी सेफ डी आर एस 22 प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ इंडिकेटर्स, ओआरवीएम में भी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि पियानो फिनिश में ग्रिल देखने को मिल रही है। उसी के साथ आप सभी लोगों को अपडेटेड बम्पर मिलेगा, फॉग लैंप चौकोर में मिलेंगे, काफी बेहतर लग रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहां पर 200 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि काफी बेहतर लग रहा है इस गाड़ी के साथ। अब इसकी साइड प्रोफाइल में बताते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट वही सिमिलर रहने वाली है जैसे पुरानी वाली ब्रेजा है, तो वैसे ही रहेगी। बट भाई फ्रंट से जो चेंज किया और अंदर से जो चेंज किया है बहुत ही अच्छा कर दिया। और ऊपर की साइड में आप सभी लोगों को सनरूफ देखने को मिलेगा, उसी के साथ आप सभी लोगों को रूफ रेल देखने को मिलेगी जो कि रेड और ब्लैक कलर की कार है, तो उसमें दो कॉम्बिनेशन आ गए। और उसके साथ उसके ऊपर जो है सिल्वर कलर की आप सभी लोगों को रूफ रेल भी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोगों को डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि 16 इंचेस के हैं। साथ में सुजुकी का लोगो भी बीच में आप सभी लोगों को देख रहा होगा। और भाई बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो देखो भाई व्यूज़ के लिए नहीं, आप सब ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी इसकी एक फ़ोटो लीक हुई जिसमें है कि आप सभी लोगों को शार्प फिनिश एंटीना और रूफ ब्लैक है, तो इसकी वजह से जो सनरूफ है वो दिख नहीं रहा, लेकिन सनरूफ भी इस गाड़ी में अवेलेबल किया गया है। ऊपर लुक से भाई किन लोगों को पसंद आई कमेंट जरूर करना, करते रहना और वीडियो वॉच करना। सो अब चलते हैं बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में आप सभी लोगों को ब्लैक फिनिश में जो स्पॉइलर वो देखने को मिलेगा, डीप फॉगर देखने को मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा। जैसे 2022 फेसलिफ्ट बलिनो आई है उसमें 360 डिग्री व्यू कैमरा मिला है, तो भाई वीडियो कहीं मत छोड़ना, वीडियो में वॉच करते रहना आप लोग। और जैसे उसमें 360 डिग्री व्यू कैमरा आया है तो इसमें भी आप सभी लोगों को 360 डिग्री व्यू कैमरा देखने को जो है मिल जाएगा। ड्राइवर साइड गो ड्राइवर साइड एंड बूट स्पेस की तरफ आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एस क्रॉस में आते हैं। आप सभी लोग जान सकते हैं एस क्रॉस में भी आते हैं तो उसमें भी आप सभी लोगों को जो है रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं, और इस गाड़ी में भी रिक्वेस्ट सेंसर्स आप सभी लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो अपडेटेड वाले टेल लैंप देखने को मिलेंगे, इसमें भी आप सभी लोगों को स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बेजिंग देखने को मिलेगी। बीच में एलईडी टेल लैंप के बूट स्पेस के वो जो डोर होता है बैक साइड का जिसमें वाइफर्स वगैरह होते हैं उस पर आप सभी लोगों को ब्रेजा की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। पुरानी वाली विटारा ब्रेजा आती थी, ये वाली स्विफ्ट ब्रेजा आ रही है, तो इतने ज़्यादा डिफरेंस हो चुके हैं। और बीच में आप सब देख सकते हैं सुजुकी का लोगो और अलॉय व्हील जो है वो 16 इंचेस के देखने को मिल जाएंगे। ये टॉप वेरियंट जो है वो गुड़गांव में साइबर सिटी में जो है वो शूट हो रहा है, शूट के दौरान, तो आप सब जान सकते हैं कि इसकी ऑफिशियली जो टीजर लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्द, उसकी वीडियो बनाएंगे। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को इसके बारे में क्या क्या चेंजेस होंगे या फिर ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं है, लेकिन जो कंपनी बता रही क्लेम कर रही है कि भाई 5 स्टार ले आएगी, तो भाई 5 स्टार ले आएगी, 5 स्टार और क्या चाहिए। पुरानी वाली तो 4 स्टार लाई थी, ये तो 5 स्टार ले आएगी, 6 एयरबैग के साथ आएगी। किन लोगों के पास है, किन लोगों के पास नहीं है और क्या लोग लेना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करें, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।